चैनल। सो आज से मेरा ये मेघालय का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं अपने लाइफ में पहली बार ये सोलो ट्रिप कर रहा हूँ अपने बाइक के साथ। ठीक है, चलते हैं अभी। डोंट नो, ये जो जगह है ये नलपुर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है और ये जगह नॉन स्टॉपिंग जोन है और यहाँ पे भालू, बाघ और भी बहुत सारे जानवर देखे जाते हैं। इस जगह को जल्दी क्रॉस कर लेना ही अच्छा होगा। तो अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया और ये हमें मिला फर्स्ट वाटरफॉल जो इतना सुंदर से गिर रहा है ऊपर से। अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इतना रात हो गया और रात को जंगलों में बाइक चलाना सेफ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाटुम्बाई। कल रात को मैं इस 6 बजे के आसपास इस होटल में आ गया था। तो मैं यहाँ पे आज कल रात को मैं यहाँ पे रहा था और रात को खाना भी इस होटल में खाया मैंने। तो अभी क्या प्लान है, अभी प्लान है सुबह के बज रहे हैं 5:50 बज रहे हैं अभी सुबह के। तो अभी सुबह मुझे निकलना है ताऊकी की तरफ। तो मैं अभी अपना बैग पैक करता हूँ और यहाँ पे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं जब सिलचर में था, सिलचर में शायद 37 या 38 डिग्री हो गई, यहाँ पे 21 डिग्री चल रहा है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगा था, मेरा पूरा कान पूरा ठंडा हो गया था।
अभी करते हैं बैग पैक करते हैं, बैग पैक करके निकलते हैं। ये पूरा मैस पड़ा है, इसको अभी ठीक करना होगा। ठीक करके फिर निकलेंगे हम लोग। ऑल सेट टू गो। और अभी ये इन सब को बाइक पे लगाना होगा। बाइक पे लगाने के बाद अभी मैं निकलूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और हमारा बाइक जो था वो यहाँ पार्क किया हुआ था रात को। तो अभी यहाँ से हम उसको निकालेंगे, निकाल के फिर निकलेंगे बाहर के लिए। तो हमारा बाइक हो गया है पूरा रेडी, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, फिर अभी हम निकलते हैं। ठीक है, अभी हम निकलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं होटल से, चेकआउट कर लिया है। Thank you.
भाई, तो यहाँ से हमें जाना है दाऊकी की तरफ। ये दोनों रास्ते तो मुझे कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। अभी किस तरफ जाना चाहिए मुझे, अभी गूगल मैप निकालना होगा। और यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा एक ब्रेक, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगा था, इसलिए यहाँ पे मैं रुका हुआ था। और धूप भी कभी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे है पहाड़ और नीचे बह रहा है एक नदी, मस्त सीन है। पहाड़ों के ऊपर से देखने में इतना मज़ा आ रहा है ये जगह, और ये बीच में नीचे से नदी बह रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन देखने में।